एक भी किसान के ऊपर, एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था। आजाद भारत में 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। साथियों, जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। अगर वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई, तो आखिरकार कौन लोग हैं कि जिन्होंने आजाद भारत में ये समस्याएं निर्माण की, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार कौन लोग हैं कि जिन्होंने ये समस्याएं निर्माण की, जो गुलाम भारत में समस्याएं नहीं थी। अर्जुन सेन गुप्ता जो प्लानिंग कमीशन का हेड था, अर्जुन सेन गुप्ता कहता है कि भारत में 83 करोड़ लोगों की दिन की इनकम 6 से 20 रुपया है। भारत में 12.5 करोड़ युवक युवती बेरोजगार है। भारत में करीबन 45 लाख बच्चे भीख मांग रहे हैं। भारत में 18 करोड़ झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं और 25% लोगों को ठीक से पानी पीने को नहीं मिल रहा है। साथियों, 5000 बच्चे हर दिन मरते हैं, मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है। और 65% लोगों को संविधान की जानकारी नहीं। और 75% लोगों को देश कैसे चलता है इसकी जानकारी नहीं। और साथियों, 85% लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल की जानकारी नहीं। उस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव होता है। बहुत खास बात बताई जा रही है। भारत में साथियों 657,621 गांव है। आज 2018 चल रहा है, 2018 में 2.25 लाख गांव में स्कूल नहीं है। 75,000 गांव में स्कूल पेड़ के नीचे भर्ती है, या जहां पे जानवर बांधे जाते हैं वहां पे भर्ती है। और 50,000 गांव में एक ही टीचर है। अगर आजाद भारत में अगर इतनी समस्याएं हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि यह आजादी हमारी आजादी नहीं है। यह आजादी हमारी आजादी नहीं है। साथियों, आज इतनी हजारों समस्याएं इस देश में निर्माण हुई, इस वजह से लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। अगर आजाद भारत में अगर इतनी समस्याएं निर्माण हुई, तो आखिरकार ये समस्याएं किसने निर्माण की? साथियों, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये बताने के लिए आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने द्विदलीय जनतंत्र भारत में दिया। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा, एक विरोध में होगा। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा, एक विरोध में होगा। अगर सत्ता में अगर अगड़े हैं, तो विरोध में पिछड़े होना चाहिए। ये सोच बाबा साहब अंबेडकर की थी। अगर सत्ता में अगर ब्राह्मण बनिया है, अगर सत्ता में अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर राजपूत है, तो विरोध में इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मूल निवासी बहुजन समाज का व्यक्ति होना चाहिए। ये सोच बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? द्विदलीय जनतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया। आज 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस किसने बनाई? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चाटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल जिसने 55 साल राज किया। बीजेपी किसने बनाई? बीजेपी बनाई अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी। 1980 में बीजेपी बनी, यानी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। कांग्रेस में ये महाराष्ट्र नागपुर का हेड़ेवार नाम का ब्राह्मण काम करता था। 1935 तक नागपुर विभाग का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था 1935 तक। और 1925 में उसने आरएसएस बनाई, यानी कांग्रेस ने आरएसएस बनाई 1925 में। आरएसएस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का ब्राह्मण काम करता था। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का रूपांतरण 1970 के दशक में, यानी
मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जनता पार्टी में हुआ। मोरारजी देसाई भी ये ब्राह्मण था और उसी का रूपांतरण 1980 में भारतीय जनता पार्टी में हुआ, यानी जनसंघ का रूपांतर भारतीय जनता पार्टी में हुआ। यह अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी इन ब्राह्मण ने किया, यानी 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 17 साल बीजेपी ने राज किया। जनसंघ यही बीजेपी है, दूसरा कुछ नहीं है। द्विदलीय जनतंत्र जो बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा था कि अगर सत्ता में अग्रे होंगे तो विरोध में पिछड़े होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सत्ता में भी अग्रे है, विरोध में भी अग्रे है। एक तो कांग्रेस जाती है या बीजेपी आती है, या बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल, यानी बीजेपी का ब्राह्मण जाता है, कांग्रेस का ब्राह्मण आता है, फिर कांग्रेस का ब्राह्मण जाता है, बीजेपी का ब्राह्मण आता है। 70 साल में ये सब चल रहा है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही इतनी गंभीर बातें हैं साथियों, जो द्विदलीय जनतंत्र आज कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया और कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मणों का दल, यानी हमारा जो मूल निवासी जो समाज है, जिसको हजारों सालों से जिन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, इनमें इतनी अज्ञानता निर्माण की कि इस अज्ञानता की वजह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हमारे समाज को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं, पार्टी बदलती है हमारे लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। हमारे लोगों की सोच क्या है, अज्ञानता की वजह से हमारे लोगों का ज्ञान का विकास नहीं हुआ तो हमारे लोगों को क्या लगता है, पार्टी बदलती है तो हमारा समाज कहता है परिवर्तन हुआ। व्यक्ति बदलता है, हमारे लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। पार्टी बदलना मतलब कांग्रेस की बजाय बीजेपी आती है, बीजेपी के बजाय कांग्रेस आती है, कांग्रेस की बजाय बीजेपी आती है, लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। मनमोहन सिंह की बजाय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाता है तो हमारे लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। साथियों, पार्टी बदलना परिवर्तन नहीं है, व्यक्ति बदलना परिवर्तन नहीं है। इस देश में पार्टी में बदल होता है, व्यक्ति में बदल होता है, लेकिन शासक में परिवर्तन कभी नहीं होता। शासक मात्र ब्राह्मण ही रहता है, ये बात समझ में आ रही। शासक व्यक्ति बदलता है, पार्टी बदलती है, कांग्रेस की बजाय बीजेपी आती है, मनमोहन सिंह के बजाय नरेंद्र मोदी आता है, लेकिन कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल, कांग्रेस का ब्राह्मण जाता है, बीजेपी का ब्राह्मण आता है, यानी पार्टी बदलती है, व्यक्ति बदलता है, शासक में परिवर्तन नहीं होता, शासक ब्राह्मण ही रहता है। द्विदलीय जनतंत्र आप लोगों को समझा रहा। साथियों, ये द्विदलीय जनतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया और जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, जिनको आप अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती यूपी तक सीमित, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार बिहार तक सीमित, लालू प्रसाद बिहार तक सीमित, सीताराम जी बिहार तक सीमित, रामविलास जी बिहार तक सीमित, रामदास अठावले महाराष्ट्र तक सीमित, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, शुभू सोरेन झारखंड तक सीमित, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो नेता क्षेत्रीय नेता बन गए। उसके आगे जाकर कुछ कांग्रेस से बंधे हुए हैं, कुछ बीजेपी से बंधे हुए हैं। जिनको आपने अपना नेता मानते हो, अपने समाज का नेता मानते हो, वो एक तो क्षेत्रीय नेता बन गए। उसके आगे जाकर एक कांग्रेस का पार्ट एंड पार्सल है, एक बीजेपी का पार्ट एंड पार्सल है। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन निकाला, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन निकाला। यूपीए कांग्रेस, एनडीए बीजेपी। हमारे जितने भी नेता है, जितने भी क्षेत्रीय नेता है, एक तो कांग्रेस या बीजेपी से बंधे हुए। द्विदलीय जनतंत्र जिसकी वजह से हजारों समस्या भारत में निर्माण हुई। साथियों, उसके भी आगे जाकर हमारे नेता जाति के नेता बन गए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता,
लालू जी यादवों का नेता, नीतीश जी कुर्मी का नेता, रामविलास पासवान का नेता, जीताराम जी मांझी का नेता, रामदास अठवले महारो का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, शुभू सोरेन संथालों का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, अटल बिहारी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, ये चित्र है भारत में। हमारे नेता जाति के नेता बन गए, जिनको आप अपना नेता मानते हो। हमारा बहुजन समाज जिनको अपना नेता मानते हैं, वो एक तो क्षेत्रीय नेता बना दिए गए, उसके आगे जाकर जाति के नेता बना दिए गए, और 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण देश का नेता बना हुआ है। ये द्विदलीय जनतंत्र हम लोगों को खत्म करना होगा, क्योंकि इस द्विदलीय जनतंत्र के ऊपर आज एक अधिकार एक जाति का हो चुका है। उसके भी आगे जाकर एक खास बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ब्राह्मणों की संख्या भारत में सिर्फ 3.5% है। अगर 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, सरपंच दूर की बात है। अभी गुजरात में ये मेरा पहला दिन है परिवर्तन यात्रा का, तो 22 अक्टूबर तक मैं रहने वाला हूं, तो थोड़ी बहुत गुजराती जान लूंगा, तो तब समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि मेरा सेंटर लखनऊ है, उधर प्रधान बोलते हैं सरपंच को, गुजरात में सरपंच ही बोलते हैं, सरपंच ही बोलते, तो कुछ शब्द जान जाऊंगा 22 अक्टूबर तक। तो यूपी बिहार में प्रधान बोलते, प्रधान संकल्पना है, तो गुजरात में सरपंच है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा ना, ग्राम पंचायत का सरपंच छोड़ो सदस्य नहीं बन सकता, उसकी संख्या ही 3.5%। लेकिन वो देश का शासक बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वो देश का शासक बना हुआ है। वो तीन चीजें इस देश में करता है शासक बनाने के लिए, तीन षड्यंत्र करता है शासक बने रहने के लिए। पहला षड्यंत्र, इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है। दूसरा षड्यंत्र, भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतता है। तीसरा षड्यंत्र, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। तीन चीजें करते रहता है, पहला षड्यंत्र हिंदू मुसलमान का झगड़ा, दूसरा षड्यंत्र भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतता है, और तीसरा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। साथियों, हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों लगाता है 3.5% ब्राह्मण, जानते हो? 3.5% ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश का शासक बना हुआ है। शासक बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है, मुसलमानों को टारगेट करता है 5 चीजों से, लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी, आतंकवाद, ये 5 चीजों से मुसलमानों को टारगेट करता है। लव जिहाद क्या है? अगर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की, लव जिहाद। अगर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद। इस नखत्राना में तंगा हो जाएगा, होगा या नहीं? फिर सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की, कोई दंगा हुआ क्या? है? हुआ कोई दंगा? हाँ, नखत्राना में कोई दंगा हुआ? हाँ, नरेंद्र मोदी जी की रिश्तेदार मुस्लिम लड़के से शादी की, मालूम है आप लोगों को, गुजरात को तो मालूम होना चाहिए। कोई फसाद हुआ अहमदाबाद में? हाँ, अडवाणी की पोती मुस्लिम लड़के से शादी की, कोई फसाद हुआ? हाँ, जितने भी टॉप मोस्ट ब्राह्मण है सारे के दामाद मुसलमान है, कोई फसाद हुआ गुजरात में? हाँ, हरामखोर हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करते रहते हैं, हमें लड़वाने के लिए। अभी इनकी जो हाफ चड्डिया है ना, 22 अक्टूबर तक पूरी निकाल लेंगे, एक भी बचाएंगे नहीं। ये जो परिवर्तन यात्रा है ना, और हमें रोकने की कोशिश की, तो फिर हम कोई साधु संत थोड़ी ना लोग है, मूल निवासी लोग है, छोड़ेंगे नहीं। ये कोई अहरा गहरा नत्तू गहरा का संगठन थोड़ी ना है।
ये आंडू पांडू लोगों का संगठन नहीं है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा है और ये 550 जिला का ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे 61 ऑफ शूट विंग है। मैं एक विंग का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, 61 है। अभी ये संगठन ऐरा गहरा नत्थु गहरा संगठन नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा संगठन है जिसका नेतृत्व वामन मेश्राम साहब कर रहे पूरे देश भर में। साथियों, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते हैं, मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर टारगेट करते हैं। ये जानकारी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। क्यों? अज्ञानता। हमारे समाज में हजारों सालों से अज्ञानता फैलाई हुई। दूसरा, घर वापसी। हमारे मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं घर वापसी करेंगे, अरे घर वापसी तो ब्राह्मणों की होगी, वो इस देश के ही नहीं है, मूल निवासी है वो। हाँ, घर वापसी उनकी होगी जहां से आए, यूरेशिया से, खरबर खंडी से, वो वहां चले जाएंगे। साथियों, आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम भाइयों को टारगेट करते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में आतंकवाद की चढ़नी अगर कोई है तो ब्राह्मणवाद है। इस देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटित हुई है ब्राह्मणों ने की है, सारे दस्तावेजी सबूत है। जब कर्नल पुरोहित असीमानंद चटर्जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश उपाध्याय, जब ये लोग पकड़े गए तो असीमानंद चटर्जी ने 21 जगह बम ब्लास्ट किया, हाईकोर्ट में कन्फेक्शन दिया। अगर 21 जगह बम ब्लास्ट किया मालेगांव में, नांदेड़ में, अजमेर में, अगर इन ब्राह्मणों ने अगर बम ब्लास्ट किए तो हमारे मुस्लिम भाई बदनाम क्यों हुए? साला भारत में छोटा सा फटाका भी फूट जाए तो पहले टीवी पर मुस्लिम भाइयों का चेहरा आ जाता है। और ये आरएसएस ने निर्माण किया हुआ संगठन है इंडियन मुजाहिदीन, ये किसी मुस्लिम भाइयों ने नहीं बनाया, इसका संस्थापक भारत में कोई भी मुस्लिम नहीं है। मेरी उम्र कम है लेकिन बामसेब का फुल टाइमर होने की वजह से करीबन 32 स्टेट में गया हूं, 32 राज्य में घुमा हूं। इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन कहीं देखा नहीं, ये अभी अभी निर्माण हुआ। कहीं पर भी फटाका फूट जाए साला टीवी पर छह रहता है, इंडियन मुजाहिदीन का इसके पीछे हाथ है। ये किसने बनाया? आरएसएस ने बनाया। हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करते हैं आतंकवाद के नाम पर। आज 52,000 मुस्लिम नौजवान जेल के पीछे है जो निरपराध है। 20 साल का नौजवान होता है मुस्लिमों का, उसको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, 20 साल तक केस चलता है। गया तब 20 साल का था और 20 साल बाद रिजल्ट आता है, निरपराध है, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। जब जेल से बाहर आता है 40 साल की उम्र रहती है, भर जवानी जेल में चली जाए। इस प्रकार से साथियों, आतंकवाद की ये असली जननी इस देश में ब्राह्मणवाद है। साथियों, 3.5% ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, वो देश के हुक्मरान बने हुए। इस देश में मुसलमानों को टारगेट करते 5 चीजों से, मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं, जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है वैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते। एससी हिंदू नहीं है, एससी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत है, अछूत का मतलब अपवित्र है, ब्राह्मण पवित्र है। तो अपवित्र और पवित्र लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासियों के 16 जजमेंट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आदिवासी हिंदू नहीं है। ओबीसी हिंदू नहीं है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ओबीसी शूद्र है और जो शूद्र है वो अधिकार वंचित होते हैं, जो अधिकार वंचित होते हैं वो गुलाम होते हैं और गुलामों का और गुलाम बनाने वाले लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। एससी एसटी ओबीसी संविधानिक रीत्या हिंदू नहीं है, संविधानिक रीत्या एससी एसटी ओबीसी है। जो हिंदू नहीं है
उनको मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है वैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते, जैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते वैसे ही 3.5% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाते हैं और बहुसंख्य बनकर वो दीर्घ काल तक राज करते हैं। पहली घटना। दूसरा, भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतते हैं, चुनाव में भ्रष्ट तरीका अपनाते हैं, दारू का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी मटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं उनकी संख्या ही 3.5% है, मेहनत से भी वो लोग, ईमानदारी से भी वो लोग चुनाव जीत कर आने वाले नहीं है, इसीलिए हम लोगों को अज्ञानता बनाकर रखा, बेरोजगारी फैला कर रखी, रोजगार हम लोगों को नहीं दिया, नौकरियां हम लोगों को नहीं दिया, हमारा सब कुछ होने के बावजूद भी हमको ही नहीं मिला, बेरोजगारी इतने पैमाने पर फैलाई हुई है, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी का कितने इंच का सीना है? 56 इंच का। गुजरात के लोग हैं तो जानकारी जरूर होगी, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो दो लोगों को मालूम होगा, एक तो टेलर जो उसके कपड़े सिलाता होगा, या उसकी माँ जो उसको पैदा की होंगी, बीवी तो रहती ही नहीं। साथियों, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का सीना है तो 5 साल में गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रहे हो भाई? अगर 56 इंच का सीना है तो गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? 5 मिनट में 500,000 की नोट खत्म कर सकते हो, बंद कर सकते हो 56 इंच के सीना ने। 5 मिनट के अंदर उसने फैसला लिया और 500,000 की नोट बंद कर दी। अगर 5 मिनट में अगर आपने फैसला लिया, 500,000 की नोट आपने बंद कर दी, तो फिर 5 साल में गरीबी खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? 5 साल में गरीबी खत्म कर सकते हो, भारत में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन क्यों खत्म नहीं कर रहे? अगर गरीबी खत्म करेंगे तो आपका वोट कैसे खरीदेंगे, चुनाव में आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस बहुजन समाज को उसने गरीब बनाकर रखा उन्होंने, ताकि चुनाव के दौरान इस समाज का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी संख्या 3.5% है, वो ईमानदारी से चुनाव अगर लड़ते हैं तो साथियों वो चुनाव जीतने वाले नहीं, इसीलिए वो भ्रष्ट तरीका चुनाव में अपनाते हैं। और पहला भ्रष्टाचारी कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने बाबा साहब को हराने के लिए चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2,000 रुपए था, उसने 25,000 रुपए खर्चा किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 रुपए खर्चा किए और बाबा साहब आंबेडकर को हरवाए उन लोगों ने, ये पहला भ्रष्टाचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस काल के 25,000 आज वर्तमान के 2.5 करोड़ रुपया है, ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसी प्रकार से वो लोग भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतते हैं। साथियों, तीसरा, 3.5% ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश का शासक बना हुआ है, कैसे? तो चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में कहीं पर भी ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, जापान में नहीं होता, रशिया में नहीं होता, चीन में नहीं होता, ब्राजील में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, कहीं पर भी, इंग्लैंड में नहीं, कहीं पर भी नहीं, दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत में ईवीएम के ऊपर चुनाव हो रहा है। जो जापान ईवीएम में लगाने के लिए भारत में चिप प्रोवाइड करता है, उस जापान में भी ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब ने जापान के उस कंपनी को चिट्ठी लिखी जिस कंपनी ने ईवीएम में चिप लगाने के लिए ईवी चिप प्रोवाइड की, उस कंपनी को चिट्ठी लिखी,
और उस चिट्ठी में मेश्राम साहब ने सवाल पूछे, पहला सवाल, क्या भारत में चीप प्रोवाइड करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो अगर आप भारत में चीप प्रोवाइड करते हो तो क्या आपके देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता है? तो जापान ने कहा नहीं। अच्छा क्यों नहीं होता है? तो बोले ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें गड़बड़ी होती है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर भारत में क्यों प्रोवाइड करते हो? तो जब खरीदने वाला तैयार है तो हमें बेचने में क्या तकलीफ है? जापान कह रहा है, जो जापान भारत में चीप प्रोवाइड करता है उस जापान में भी ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता। मैंने पहले ही कहा 85% लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल समझ में नहीं आता, उस देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता। साथियों जो बातें आपको बताई जा रही है, किसी भी देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, भारत में होता। पहला प्रयोग भारत में 2004 में किया गया, कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता। फिर 2009 में ईवीएम के ऊपर चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता। कांग्रेस ने दोबारा गड़बड़ी की, चुनाव जीता। इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी ने एफिडेविट दाखिल किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को सवाल पूछा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो इसमें सुधार के लिए आपके पास क्या पर्याय है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसमें एक चीज का सुधार हो सकता है। तो जजों ने पूछा, बोले क्या सुधार हो सकता है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मेरे फला फला बैंक में 1,00,000 रुपए है, अगर मुझे पैसे निकालना है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, उतना मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं एटीएम मशीन का इस्तेमाल करता हूं। जब मैं एटीएम में जाता हूं, एटीएम से 10,000 रुपए निकालता हूं तो एक स्लिप बाहर आती है और वो स्लिप मुझे बताती है कि आपने 10,000 रुपए निकाले, 90,000 रुपए आपके खाते में बैलेंस है। ऐसी स्लिप आने से क्या होता है? तो एक एटीएम के ऊपर मेरा विश्वास होता है और दूसरा जिस बैंक में मेरा खाता है उस बैंक के ऊपर भी मेरा विश्वास होता है। साथियों ये बात जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कही तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जिस प्रकार से एटीएम में पेपर ट्रेल मशीन लगाई हुई होती है उसी प्रकार से अगर ईवीएम के साथ में अगर पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए तो शायद मतदाता का विश्वास हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, मतदाता बटन दबाता है, आवाज आता है, लेकिन वोट किसको गया पता नहीं चलता है। साथियों जो बातें आपको बताई जा रही है, तो सुब्रमण्यम स्वामी के इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कि अगर आपको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी अगर आपको चुनाव करना है तो सिर्फ ईवीएम के ऊपर चुनाव करने से चुनाव नहीं होगा, तो आपको ईवीएम के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। जब यह आदेश दिया फिर भी चुनाव आयोग ने 2014 में विदाउट पेपर ट्रेल मशीन चुनाव किया, सिर्फ ईवीएम लगाई और नरेंद्र मोदी जी को चुनकर लाए। नरेंद्र मोदी जी ये जनता की पैदाशी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ये ईवीएम की पैदाशी है, क्योंकि आज ईवीएम बच्चे पैदा कर रहे हैं, मशीन भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। साथियों इसके विरोध में जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश देने के बावजूद भी पेपर ट्रेन मशीन नहीं लगाई, इसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि ये चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उसको 6 महीने की सजा होती है।
ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर जब वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को जजमेंट दिया, फिर से चुनाव आयोग को कहा कि आपको 8 अक्टूबर 2018 तक एनी आउट कंडीशन आपको पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने दो बातें लिख कर दी सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात लिख कर दी कि हम पेपर ट्रेल मशीन लगाएंगे लेकिन रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, इसका अर्थ यह होता है कि गड़बड़ी जरूर करेंगे। दूसरी बात लिख कर दी कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए हमें 30 महीने का समय चाहिए। अभी 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट 30 महीने का मतलब होता है 2019 का चुनाव निकल जाएगा, यानी चुनाव आयोग 2019 का चुनाव बगैर पेपर ट्रेल मशीन करना चाहती है। इसका मतलब वो फिर से गड़बड़ी करना चाहती है। एक तो रिकाउंटिंग करना नहीं चाहती, दूसरा 30 महीने का समय लेना चाहती है, यानी 2019 का चुनाव करना चाहती है। अभी अभी बीजेपी सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि रिकाउंटिंग होगी, पेपर ट्रेल मशीन तो लगेगी लेकिन रिकाउंटिंग होगी तो वो पर्ची की नहीं होगी, रिकाउंटिंग होगी तो मशीन की होगी। जब पर्ची की रिकाउंटिंग होगी नहीं तो लगा क्यों रहे हो भाई? लगा क्यों रहे? हमारे लोग अभी बच्चों को हगी यूज कर रहे हैं ना, कर रहे या नहीं? साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इस प्रकार से चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है, इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि इस देश में ईवीएम की वजह से आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ईवीएम की वजह से आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। कांग्रेस ने दोबारा गड़बड़ी की, अभी बीजेपी दोबारा गड़बड़ी करना चाहती है। कांग्रेस ने 2004 और 2009 में गड़बड़ी की, अभी बीजेपी 2014 और 2019 में वो लोग अभी गड़बड़ी करना चाहते हैं। जब कांग्रेस ने गड़बड़ी की तब बीजेपी चुप थी, आज बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, कांग्रेस चुप है। ये दोनों के बीच का एग्रीमेंट है दो दो बार का, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। साथियों, 2019 में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या होगा? आज 23 राज्य की विधानसभाएं बीजेपी के नियंत्रण में, लोकसभा बीजेपी के नियंत्रण में, राष्ट्रपति बीजेपी के नियंत्रण में, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत चला जाएगा। और जब 2019 का चुनाव बीजेपी जीतेगी तो 23 राज्य की विधानसभाएं बीजेपी के नियंत्रण में, लोकसभाएं बीजेपी के नियंत्रण में, राज्यसभा बीजेपी के नियंत्रण में, राष्ट्रपति बीजेपी के नियंत्रण में। संविधान की आर्टिकल 368 ये कहती है कि 2/3 मेजोरिटी से आप कोई भी कानून ला सकते हो, कोई भी कानून आप बदल सकते हो। तो 2/3 मेजोरिटी से आर्टिकल 368 का सहारा लेकर वो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। बदलना दूर, जला दिया, कुछ किया हमारे लोगों ने? कुछ नहीं। अगर पुतला टूट गया होता तो दो चार ऐसे ही मर जाते, मरते या नहीं? पुतला अगर कहीं पे टूट गया होता तो दो चार मर जाते, गलत बोल रहा हूं मैं? पुतला अगर किसी देश के कोने में टूट जाता तो दो चार नहीं मरते क्या? संविधान जलाया गया, कुछ हुआ छेला गांव में? साथियों, उन्होंने संविधान जला गया, आपको चेक किया उन्होंने, कितनी औकात है हमारी। तो उनको समझ में आया ये लड़ झगड़ने वाले लोग नहीं, ये भक्त लोग हैं, पुतला तोड़ो ये लोग। तो वो क्या करते हैं, भी चुनाव के दौरान पुतला तोड़ते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। तो उनको समझ में आया ये तो लड़ाकू लोग नहीं, भक्त लोग है। भक्त का काम होता है भक्ति करना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना। कोई आएगा और देगा, कोई आने वाला नहीं है और देने वाला भी नहीं। साथियों, अगर 2019 में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान भी खतरे में है,
लोकतंत्र भी खतरे में है। इसीलिए 2019 में किसी भी परिस्थिति में बीजेपी चुनाव जीत कर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसलिए इस देश में तीसरा विकल्प निर्माण करना होगा, क्योंकि लोग कांग्रेस और बीजेपी से नाराज है। हमें तीसरा विकल्प निर्माण करना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल है, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल है। अगर बीजेपी को अगर हराना है तो क्या करना होगा, इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को इकट्ठा होकर इस देश में तीसरा विकल्प निर्माण करना होगा। अगर तीसरा विकल्प हम लोग निर्माण करते हैं तो इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं। इसलिए साथियों, 2019 में हम लोग चुनाव आयोग को कह रहे हैं, अभी भी 6 महीना बाकी है लोकसभा के चुनाव को, चुनाव आयोग को परिवर्तन यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम सतर्क कर रहे हैं कि 2019 में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना होगा। चुनाव आयोग को हम लोग बोल रहे हैं परिवर्तन यात्रा निकालकर। अगर चुनाव आयोग 2019 का चुनाव अगर बैलेट पेपर पर नहीं करता है तो कोई मशीन तोड़े या ना तोड़े, हमारी जितनी ताकत और औकात है 15 लाख बूथों पर मशीन तोड़ने का प्लान हम लोगों ने बनाया। कोई तोड़े या ना तोड़े, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारे जितनी औकात है उतने आधार पर हम लोग मशीन तोड़ेंगे और 15 लाख बूथों पर मशीन तोड़ेंगे। लेकिन ये बात 6 लाख गांवों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा निकली हुई है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग बहुजन समाज के इस अभियान में अभी शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के पास ये जानकारी नहीं थी। इसलिए साथियों, पहला प्रयोग परिवर्तन यात्रा का हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया। 42 दिन की परिवर्तन यात्रा वामन में श्याम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने निकाली। वहां पे हमने बहुत सारे चीजें सीखे, महाराष्ट्र में कमियां खामियां सीखी। जब परिवर्तन यात्रा रोकी गई तो महाराष्ट्र में पूरा जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में जब परिवर्तन यात्रा रोकी, जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। जैसे ही शुरू हुआ, लोग जेल के पास पहुंचे नहीं तो पुलिस लोगों ने कहा शुरू करो भाई। पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे ही लोग है, एससी एसटी ओबीसी के ही लोग तो है। सिर्फ उनके इंचार्ज जो है वो ब्राह्मण है, तो हमें अवसर मिलेगा तो हमारे लोग इंचार्ज रहेंगे। आज ब्राह्मण का शासन है तो ब्राह्मणों के इंचार्ज है, जब बहुजनों का शासन आएगा थोड़ी ना ब्राह्मण इंचार्ज रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे। तो महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने परिवर्तन यात्रा रोकी, बीजेपी सरकार ने परिवर्तन यात्रा रोकी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में 36 जिला है, 350 तहसील है, 44,000 गांव है, जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। जब जेल भरो आंदोलन का ऐलान हुआ, हमारे लोग जेल के पास पहुंच ही रहे, पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहे, तो पुलिस ने कहा शुरू करो भाई, उतना समय हमारे पास कहां है। तो गुजरात की सरकार भी ऐसा कारनामा ना करे, क्योंकि ये गुजरात की परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है। अगर गलती से हमें रोकने का प्रयास किया तो देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि वामन में श्याम साहब कहते दो बातें कि गांधी जी महान कैसे हुए, यही गुजरात के थे, तो वो बातें मुझे याद आ रही है। तो
मेश्राम साहब कहते हैं कि गांधी जी महान कैसे हुए, तो जेल में जाकर महान हुए। अगर जेल भरो आंदोलन अगर हो जाएगा और हमें जेल के अंदर डाला जाएगा तो बहुजन क्रांति मोर्चा को जिसने नहीं सुना होगा साला उसके पास भी नाम चला जाएगा कि ये जेल में क्यों गए, तो अरे ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है इसके विरोध में जेल में गए, तो ये छेला गांव तक मैसेज चला जाएगा। फिर 2019 में बीजेपी का पोस्ट, तो परिवर्तन यात्रा हमने महाराष्ट्र में निकाली, पहला प्रयोग किया और उसी दौरान वामन में शाम साहब ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी। साथियों महाराष्ट्र के बाद में मातंग साहब के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन यात्रा निकली 30 दिन की, और बिहार के परिवर्तन यात्रा के बाद में ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, और इस परिवर्तन यात्रा को अभी बड़े पैमाने पर हम लोग सफल करने जा रहे हैं, और जिस जगह पर ये परिवर्तन यात्रा जा रही है वहां पे बड़े पैमाने पर जनमत और जनसमर्थन हम लोगों को हासिल हो रहा है। जब परिवर्तन यात्रा बिहार में निकली थी तो पत्रकारों ने मातंग भाई से सवाल पूछा था कि ये परिवर्तन यात्रा आप क्यों निकालना चाहते हो, तो मातंग भाई ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। तो पत्रकारों ने पूछा कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो रही है, तो मातंग साहब ने कहा कि बोले जमीन पर बैठकर अगर हजारों किलोमीटर का सैटेलाइट अगर हैंडल किया जाता है तो आपकी ईवीएम हैंडल नहीं की जा सकती। दूसरा, जब नोटबंदी हुई थी तो 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि सप्ते में सिर्फ 24,000 ही निकलेंगे, एक हफ्ता में सिर्फ 24,000 ही निकलेंगे। अगर 2,17,000 एटीएम मशीन अगर सेट किए जा सकते हैं तो आपकी ईवीएम सेट नहीं की जा सकती। नंबर तीसरा, अगर पेट्रोल पंप पर चीप लगाकर अगर पेट्रोल चुराया जा सकता है तो आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। चौथा, ये एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल का दूसरे मोबाइल में अगर प्रोग्राम ट्रांसफर करना है तो झापिया है, ब्लूटूथ है, शेयरिट है, सेंडर है, ब्लूटूथ है, झापिया है, मेल है, इसके द्वारा प्रोग्राम ट्रांसफर होता है। तो मुझे आप बताइए, जब एक मोबाइल से जब दूसरे मोबाइल में जब प्रोग्राम ट्रांसफर होता है तो गाना कोई नाचते नाचते बीच में जा रहा है दिखाई देता है क्या? नाचते नाचते जा रहा है गाना है? दिखाई देता है, डायरेक्ट चला जाता है। अगर एक मोबाइल का प्रोग्राम अगर दूसरे मोबाइल में अगर ट्रांसफर हो सकता है तो आपका वोट इधर का उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो सकता है। साथियों अभी ये बात सिद्ध हो चुकी है, क्या सिद्ध हो चुका है कि ये ईवीएम मशीन गड़बड़ी वाली मशीन है, ये ईवीएम मशीन हैक करने वाली मशीन है, इसमें गड़बड़ी होती है। तो पत्रकारों ने कहा कि भी फिर आप क्या चाहते हो, तो मातंग साहब ने कहा हम बैलेट पेपर चाहते हैं। तो पत्रकारों ने कहा बैलेट पेपर तो पुराना है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मातंग साहब ने कहा बोले अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो वो क्या बैकवर्ड कंट्री है क्या है? फिर पत्रकारों ने कहा बोले पेपर बहुत लगेगा, पेपर बांस से बनता है, बांस जो होता है, बांस को क्या बोलते हैं सर इधर, बांस, ओके, बांस से बनता है और बांस जंगल में होता है और जंगल काटना पड़ेगा, इससे प्रदूषण खतरे में आएगा। तो मातंग साहब ने कहा अगर बैलेट पेपर लगाने के लिए अगर बांस काटना पड़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा ऐसा आप कह रहे हो, तो बोले भारत में जो न्यूज पेपर छपाई जाता है हर दिन जितना न्यूज पेपर छपाई जाता है उतना बैलेट पेपर लगने वाला नहीं है, 5 साल में जितना बैलेट पेपर लगेगा उतना हर दिन न्यूज पेपर छपाई जाता है भारत में। साथियों
वो ईवीएम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, उनके औकात नहीं, क्योंकि वो जानते सिर्फ 3.5% है, संख्या के आधार पर भी उनकी औकात नहीं और वो इस देश के मूल निवासी भी नहीं है। इसीलिए वो जानते हैं कि ईमानदारी से चुनाव जीतकर वो लोग इस देश के हुक्मरान बनने वाले नहीं है, इसलिए वो इस देश में ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने हजारों सालों से नारियल तोड़ा या नहीं? हजारों सालों से नारियल तोड़ते आ रहे हैं, कोई चमत्कार हुआ? एक बार ईवीएम तोड़ दो और चमत्कार देख लो। साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, वो ये बात है कि बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकली है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग संगठनों के भी लोग आए होंगे। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बहुजन क्रांति मोर्चा ये संगठन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये क्या प्लेटफॉर्म है, जो हजारों संगठन हमारे समाज में काम कर रहे हैं, अलग अलग झंडे लेकर काम कर रहे हैं, अलग अलग विचार लेकर काम कर रहे हैं, अलग अलग उद्देश्य लेकर काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपना झंडा बरकरार रखिए, आप अपना डंडा बरकरार रखिए, आप अपना विचार बरकरार रखिए। आपको आपका डंडा झंडा छोड़कर आना नहीं है हमारे साथ में, बहुत खास बात। आप अपना झंडा बरकरार रखिए, अपना डंडा बरकरार रखिए, वो छोड़कर आप हमारे साथ आना नहीं है, वो लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा ये एक संगठन नहीं, प्लेटफॉर्म है। साथियों, मान लीजिए ये नखत्राना तहसील है, इस तहसील में अगर मान लीजिए 100 संगठन अगर कार्यरत है, अलग अलग छोटे छोटे अगर 100 संगठन कार्यरत है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के, उन संगठन अगर अपना डंडा झंडा बरकरार रखकर अगर एक जगह आते हैं, एक जगह आकर एक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बनाते हैं 100 संगठन की नखत्राना में, अगर मान लीजिए हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी पर अगर कोई अन्य अत्याचार अगर होता है, तो ये 100 संगठन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर नखत्राना के अगर पुलिस स्टेशन पर अगर जाकर निवेदन देती है तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? तो नखत्राना जो तहसील है ना, तो तहसील है, तो तहसील में PI होता है, पुलिस इंस्पेक्टर, तहसील का जो इंचार्ज होता है वो PI होता है। तो जब 100 संगठन का डेलीगेशन उसके ऑफिस में जाएगा, तो जैसे ही डेलीगेशन देखेगा, 100 संगठन देखेंगे, 100 झंडे और 100 डंडे देखेंगे, तो वो अपनी चेयर से खड़ा होगा और आपको कहेगा आइए। इतना परिवर्तन होगा। इसीलिए आप अपना झंडा बरकरार रखिए, अपना डंडा बरकरार रखिए, आप अपना डंडा और झंडा छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज की समस्याएं है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आपका एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर दिया है, खतरे में है। इन कॉमन मिनिमम बिंदु के ऊपर हम लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया, पहला निर्णय लिया, जैसे ही बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे ही इस देश में परिवर्तन यात्रा निकालना शुरू किया, तो ब्राह्मणों के मन में डर महसूस हुआ। ये डर इसलिए महसूस हुआ, अभी मेरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, ऐसे हर जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ब्राह्मणों को लगा कि साला ये तो मीडिया इनका नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ब्राह्मणों का नहीं है। देखो खास बात, दो चीजें बता रहा, मीडिया हमारा नहीं है लेकिन सोशल मीडिया ब्राह्मणों का नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये सोशल मीडिया में ये बहुजन क्रांति मोर्चा का परिवर्तन यात्रा बहुत फैल रहा है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का विचार बहुत तेजी से चल रहा है,
तो उन्होंने रोकने के लिए व्हाट्सएप पर उन्होंने अभी पाबंदी लाई है, आप 5 लोगों को सिर्फ मैसेज भेज सकते हो। मालूम है क्या ये बात आप लोगों को? सिर्फ 5 लोगों को मैसेज भेज सकते, और भारत के इतिहास में इसके विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है। तो वामन मेश्राम साहब इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। दूसरा, एससी एसटी एक्ट के विरोध में स्वर्णों ने भारत बंद किया, सफलता नहीं हुई। नाम दिया स्वर्ण, स्वर्णों ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने नाम दिया, देना था कि हम ब्राह्मण लोग भारत बंद कर रहे हैं, तो वो जूते से पीटते। तो उन्होंने नाम दिया, ब्राह्मण जो है ना वो षड्यंत्रकारी है। ब्राह्मण क्या है? तो बाबा साहब कहते ब्राह्मण हैव अ ब्रेन विद इन अ ब्रेन, का मतलब ब्राह्मण का जैसे हमारा एक ब्रेन होता है, तो ब्राह्मण का उस ब्रेन के अंदर और बहुत सारे ब्रेन है। यानी पत्ता गोभी जो होती है ना, एक पत्ता निकालो और एक पत्ता है और एक पत्ता है और एक पत्ता है और एक पत्ता है, वैसा ब्राह्मण है। यानी एक ब्रेन के अंदर षड्यंत्रकारी हजारों ब्रेन है। ब्राह्मण ईमानदार और बुद्धिमान बिल्कुल ही नहीं, ब्राह्मण सिर्फ षड्यंत्रकारी, उसकी औकात ही है षड्यंत्र करने की। साथियों, ब्राह्मणों ने एससी एसटी एक्ट के विरोध में भारत बंद किया। अभी हम लोग पूरे देश भर में 6 लाख गांव में ऐलान करने वाले हैं कि जिन ब्राह्मणों ने आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और रास्ते पर ब्राह्मण उतर रहे हैं, जो ब्राह्मण हमारा एट्रोसिटी एक्ट, हमारे समाज के सुरक्षा का कानून प्रभाव शून्य कर दिया, अभी हम हमारे समाज के लोगों को कहेंगे 6 लाख गांव में ये बात हम बताएंगे कि अभी आज से मैं इस नखत्राना ऐतिहासिक भूमि, गोविंद भाई परमार जी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये नखत्राना ऐतिहासिक भूमि बन गई है, अभी बनने की बात ही नहीं है, ये बन गई है। आप बहुत ही ऐतिहासिक लोग हो कि गुजरात की परिवर्तन यात्रा नखत्राना से शुरू हुई, 50 साल बाद 100 साल बाद चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन जब इतिहास पढ़ा जाएगा कि गुजरात की परिवर्तन यात्रा कहां से शुरू हुई, तो इतिहास में नाम आएगा नखत्राना। इस ऐतिहासिक भूमि में आज मैं ये ऐलान करता हूं कि जिन ब्राह्मणों ने हमारे आरक्षण का विरोध किया, जिन ब्राह्मणों ने हमारे समाज के सुरक्षा का कानून खत्म करने का प्रयास किया और भारत बंद किया, उन ब्राह्मण बनियों के दुकान का कोई भी सामान हम लोग खरीदेंगे नहीं। आज से हम लोग ये पूरे भारत भर में ये बात हम ऐलान कर रहे हैं कि ब्राह्मण बनियों के दुकान का कोई भी सामान खरीदना नहीं है। हमारे मूल्यवासी भाइयों के दुकान का 1 रुपया का ज्यादा मिलेगा तो भी खरीदने का, साला उसका 1 रुपया का सस्ता मिलेगा तो भी खरीदने का नहीं। ये क्यों कह रहा हूं? अरे भाई, आपके आरक्षण के विरोध में ब्राह्मण रास्ते पर आ रहे, आपके एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में उन्होंने भारत बंद किया। जानते हो ब्राह्मण ने ऐलान किया क्या किया? हम इनके घर में पूजा पाठ करवाने नहीं जाएंगे, आबे बुलाएंगे नहीं तेरे को, जाएंगे नहीं बोल रहा, तेरे को बुलाएगा कौन? तू आने की बात कर रहा है, हम बुलाएंगे नहीं, हमने दूसरा ही प्लान बनाया, तेरे को बुलाएंगे तो नहीं लेकिन तेरे दुकान का सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा जानते हो? इससे क्या होगा? ब्राह्मण का यही तो बिजनेस है, अगर उसको फाइनेंशियल कमजोर कर दिया जाए तो क्या होगा? तालाब से अगर पानी निकाल दिया जाए तो मछली को मारने की जरूरत है क्या? हाँ, तालाब से पानी अगर निकाल दिया जाए तो मछली को मारने की जरूरत है? नहीं है। इसलिए साथियों, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और कॉमन मिनिमम बिंदु के अंतर्गत जितने भी संगठन इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उस संगठनों का यहाँ पर स्वागत है। और आप नखत्राना के ऐतिहासिक लोगों का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए,
और साथियों आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद प्रवीण कुमार गैडव, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष तो आपने बहुत बड़ी अच्छी बात रखी और हमारा हौसला भी आपने बढ़ा दिया। और कुछ पंडाल में बैठे हैं, उस व्यक्ति को हम रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय मौलाना साहब अयूब अशरफी साहब, प्रचार राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा गुजरात, उनको रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कर कीजिए। इसके बाद इस पंडाल में अगर उपस्थित हो माननीय मुफ्ती मोहम्मद अजसद कासमी, उप प्रमुख जमीयत उलेमा गुजरात, इसको भी विनती करता हूं कि वो भी इधर हमारे मंच पर आ जाए। माननीय उमर भाई कुंभार, सामाजिक अग्रणी निरोना, कृपया इनसे जो नाम ले रहा हूं उनको रिक्वेस्ट है कि वो आप इधर मंच पर आइए, आपकी जगह है। माननीय मौलाना उमर गुलफाम मिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रा से आए हुए मौलाना साहब को इधर हम आमंत्रित करते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता माननीय मोहम्मद याकूब मुतवा, माननीय मोहम्मद याकूब मुतवा इस पंडाल में हाजिर हो तो उनको कृपया विनती किया जाता है कि वो इधर मंच पर आइए और अपना स्थान लीजिए। माननीय मंगल भाई के रबारी, माननीय मंगल भाई के रबारी, सामाजिक अग्रणी रबारी समाज, उसको विनती है वो भी इधर मंच पर आइए। माननीय ब्रिजेश ए चांदरिया, ब्रिजेश भाई अगर भंडार में उपस्थित हो तो उसको भी रिक्वेस्ट है कि वो इधर आ जाइए। माननीय धनजी भाई भील, भील समाज कच्छ का प्रेसिडेंट है। माननीय इस्माइल भाई पिंजारा, प्रमुख जमीयत उमेला ए हिंद नखत्राणा, इस्माइल भाई पिंजारा नखत्राणा, उनको विनती है वो इधर मंच पर उपस्थित हो। और जो हमारे बीवीएफ के कार्यकर्ता है उनसे एक निवेदन है कि आप पंडाल में बैठे हुए लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था जरूर कीजिए, और जो खड़े लोग हैं उनसे एक शुक्रिया है कि वो जगह खाली है तो उसमें बैठ जाइए आप। जितने खड़े लोग हैं उनको एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो जगह है उसमें बैठ जाइए। और दूसरी बात, इतने धूप में आप शांतिपूर्वक ये सभा सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लड़ाई के मूड में एक सैनिक के तौर पर आए हैं इधर। सैनिकों को धूप और छाया की कोई एहसास नहीं होता है, तो हमको भी इधर धूप और छाया की लड़ाई में एहसास नहीं होना चाहिए। जो खड़े लोग हैं वो जहां जहां जगह है उसमें बैठ जाइए। और फिर से बीवीएफ के कार्यकर्ता, अगर जय भीम का जो टी शर्ट पहन कर खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है को जो बैठे हैं उन लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था कीजिए। बाहर नहीं जाए, वो आने नहीं दे, कृपया। Thank you.